क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। अगर किसी को पेमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि 10,000 रुपये प्लस 18% GST पेमेंट में अगर आप लोग को एरर आ रहा है या फिर कुछ और इंटरफेसेस शो हो रहे हैं, तो मैं अपना भी लाइव आप लोगों को करके पेमेंट दिखा दूंगा। मुझे भी आए थे कुछ पेमेंट में इशू जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसे दिखा दूंगा कि आप लोग को कब कहाँ क्या करना है। अगर और लोग को पेमेंट में इशू आ रहा है अगर, और जिनका पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली वो तो ठीक है। तो और ये भी आप लोग को बताऊंगा मैं कि थर्ड राउंड के लिए आप लोगों को वेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वेट, उसका भी रीज़न मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि थर्ड राउंड में एक्चुअली होता क्या है और क्यों वेट नहीं करना चाहिए थर्ड राउंड के लिए, कि आप लोग को प्रेफरेंस डालने को मिलेगा थर्ड राउंड में तो आप अच्छे कॉलेज ले सकते हैं क्या, ये सब कुछ। तो मैं थर्ड राउंड का भी आप लोग को आगे बताऊँगा। तो पहले मैं आप लोग को पेमेंट का दिखा देता हूँ कि कैसे क्या पेमेंट वगैरह के लिए करना रहता है। तो फटाफट से मैं पेमेंट दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कैसे क्या करना रहता है पेमेंट, है ना। तो ऑलरेडी मैं अपने पुराने वाले जो वीडियो था उसके कमेंट में जो था मैं लिंक प्रोवाइड कर दिया था, तो आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मैं लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ हूँ। तो सिंपली इस लिंक पे आपको ऐसे क्लिक करना है, उस पेज में अपना फ़ोन नंबर डालेंगे आप लोग तो डायरेक्ट आप लोग का ओपन हो जाएगा। नीचे पे ऑन का ऑप्शन होगा, कॉलेज कौन सा मिला है वो दिख जाएगा। तो मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ हूँ ये, तो मैं डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ आप लोग को। यहाँ नीचे आप लोग को भी पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैं अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके पास जो भी कार्ड हो डेबिट या फिर क्रेडिट वो अपना सेलेक्ट कर लेगा। मेरे पास वीजा है तो मैं वीजा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड ये सब कुछ डाल के 11,800 रुपये पेमेंट करना है। बस इतना करने के बाद यहाँ साइड में पे नाउ में ऑप्शन है, उसमें क्लिक कर दीजिएगा। एक OTP आया होगा, OTP अपने को डालना है 5200036। सर्वर अभी जो है वो मेरा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट के बाद मुझे ऐसा एक प्रॉब्लम आ रहा है, ओप्स दे आर सेम इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम इन प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। देखते हैं इसका क्या है, एक बार मैं लॉग आउट करके वापस से ट्राई करता हूँ। तो वो फाइनली पेमेंट के बाद आपको ऐसा डिस्प्ले जो है वो शो होगा कि योर पेमेंट ऑफ ₹11,800 जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फीस हैज बीन रिसीव्ड एट सीडैक। तो पेमेंट हो चुका है यहाँ पे फाइनली, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली लॉग आउट कर देना है और बाहर आ जाना है। तो देख लिया होगा आप लोगों ने पेमेंट का, और अगर आप लोग को ऐसा कोई इंटरफेस आता है अगर, तो अगर या फिर आपका पेमेंट कैंसिल हो जाता है तो आप वापस से वही कार्ड से करिएगा। मैं सेम कार्ड से ही पेमेंट किया था दोबारा से, तो हो गया था मेरा, और फिर वो ओप्स करके जो एक आ रहा था वो इंटरफेस, तो मैं लॉग आउट करके सिंपली वापस लॉग इन किया, तो जो मेरा ट्रांजेक्शन था वो सक्सेसफुल हो चुका था। अब थर्ड राउंड की अगर मैं बात करूँ कि क्यों थर्ड राउंड के लिए वेट नहीं करना है आप लोगों को, तो थर्ड राउंड में एक्चुअली क्या होते हैं ना कि जो लास्ट के कॉलेज होते हैं ना, लास्ट इन द सेंस जैसे कि इंदौर हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, तिरुवनंतपुरम कभी मिल जाए इस बार तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी नहीं करना। मतलब जो लास्ट के कॉलेज में जो बची हुई सीटें होती है ना, तो थर्ड राउंड में सिर्फ वही प्रेफरेंस आप लोग डाल सकते हो, है ना। सिर्फ वही आप लोगों को प्रेफरेंस दिखेगा, और थर्ड राउंड में सिर्फ आप लोग को वही बचे हुए जो कॉलेज होते हैं ना सिर्फ वही शो होंगे। इसलिए थर्ड राउंड के लिए वेट मत करना आप लोग कि आप उसमें तो चलो प्रेफरेंस डाल देंगे, अगर हम अभी नहीं करेंगे या तभी नहीं करेंगे। थर्ड राउंड के पहले तक ही जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं वो मोस्टली सब कुछ फुल हो जाते हैं, जो लास्ट के कॉलेज बचे होते हैं जिनमें कुछ सीटें बची हुई होती हैं सिर्फ वही शो होता है। इसलिए जो भी है अभी पेमेंट कर देना। जिनको कॉलेज एलोकेट हो चुका है वो लोग याद रखेगा एक चीज़ को,
कि पेमेंट आप लोग अभी कर देना, तभी आप लोग सेकंड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाओगे, अदरवाइज फिर आप लोग नहीं जा पाओगे सेकंड राउंड में। और सेकंड राउंड में जिनको भी अपडेट होगा सीट, वो आप लोग को दिख जाएगा 27 को। और जिनको भी पार्टिसिपेट करना है, कॉलेज मिल चुका है, तो अभी मैं कह रहा हूँ कि पेमेंट कर देना, तो ही आप लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। और विड्रॉवल का कह रहा हूँ अगर आप लोग, तो विड्रॉवल का सिंपली बता देता हूँ मैं कि अभी 24 तारीख से लेकर 3 मार्च के बीच में अगर आप लोग ये 11,800 विड्रॉवल करोगे, चलो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर आप लोग को देख लेना, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अगर सीट नहीं मिलता है अगर आप लोगों को, तो कोई बात नहीं, जो आपके मन का कॉलेज है वो अगर नहीं मिलता है आप लोगों को सेकेंड राउंड में, तो आप विड्रॉवल करोगे तो 5,000 रुपये प्लस 18% GST काट के जो भी रिमेनिंग अमाउंट रहेगा 11,800 में, वो आप लोग को रिटर्न हो जाएगा, है ना। लेकिन 3 मार्च के पहले आप विड्रॉवल रिक्वेस्ट कर देना, और विड्रॉवल रिक्वेस्ट वहीं से आपके हो जाएगा साइट से ही, जहाँ से आप लोगों ने पेमेंट अभी किया है। पर देखिए, अभी आप लोग को अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है और आप लोग को उम्मीद है कि अपग्रेड होकर जो आपने पहले प्रेफरेंस डाला है वो कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा, तो फिर आप पेमेंट कर दो और वेट करो, जो भी कॉलेज मिले फिर आप एक्सेप्ट करो और मेहनत करो, पढ़ाई करो फिर, है ना। और कोई भी डाउट होगा किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ लेना, मोस्टली मैं सभी कमेंट के ही रिप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।